कथा जुड़ी है नीलकंठ की। क्या है नीलकंठ और विजयादशमी का संबंध और क्यों नीलकंठ का उस दिन दर्शन करने की मान्यता है? ये जितने पशु और इसमें अलग अलग पंच महाभूतों का एक तत्व अत्यधिक सक्रिय रहता है, नीलकंठ हुआ, बाज हुआ, उल्लू हुआ, ये खंजरीट जिसे खंजन कहते हैं, इन सबों में कोदकी है, इन सबों में अति विशिष्ट तत्व होता है। तो नीलकंठ में अग्नि तत्व की प्रधानता है, कपिंजल है जो वैदिक पंछी है, कपिंजल शेन और कपिंजल अपूर्व पंछियों में आते हैं, तो थोड़े से ही पंछी ऐसे होते हैं जिनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, और अग्नि तत्व प्रधान जो पंछी होते हैं वो बहुत आक्रामक होते हैं और बहुत ही शुभ माने गए। नीलकंठ का वर्ण आप देखते हैं कि वो बहुत सुंदर है। भगवान शिव ने जब गरल पान किया, कालकूट विष पान किया समुद्र मंथन के पश्चात, उन्होंने सोचा कि मैं इसे कहाँ ले जाऊँ, कहीं भी अगर ये कंठ से नीचे उतरा तो शरीर का नाश कर देगा, जमीन पर लुढ़का तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने समाधि भाव में जा करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए एक ही जगह पर कंठ में उसको अवरोधित कर दिया। जैसे किसी अंग में खास जगह पर कैंसर हो और उतने ही दूर में वो रह जाए, आगे न बढ़ पाए, उस स्थिति को उन्होंने किया, तब से उनकी संज्ञा नीलकंठ हुई।